पीछे जैस्मीन भी हैं, जैस्मीन लंबोरिया, इनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले जैस्मीन, बधाई हो आपने ब्रॉन्ज मेडल के लिए। थैंक यू सर। कैसा महसूस हो रहा है? खुश हूँ सर, मतलब अच्छा लग रहा है सर। और इतने दिनों बाद वापस हरियाणा पहुँच के कैसा लग रहा है? अब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सर। क्या क्या कुछ मिस कर रहे थे सबसे ज़्यादा? वहाँ पे खाना, घर का खाना। घर का खाना, अच्छा। तो घर वालों से बातचीत तो लगातार होती रही, लेकिन खाना नहीं मिल पाया घर वाला है। तो जैस्मीन की बात करें तो जैस्मीन बड़ा शानदार प्रदर्शन रहा, कांस्य पदक तक पहुंच पाई, लेकिन फाइट जब देखी तो बड़े गजब की आपकी मुक्केबाजी रही। तो अब अगर बात करें इसके रंग बदलने की, तो कितनी और मेहनत अब से ही सोच ली है कि? मेहनत तो और ज़्यादा करनी पड़ेगी इसका रंग बदलने के लिए, और अभी करेंगे, तैयारी शुरू करेंगे अभी दोबारा से। बिल्कुल बिल्कुल। जैस्मीन एक सवाल है, मतलब शुरुआत जब हम देखा, हाँ, भिवाणी से आप आओ हो और भिवाणी मिनी क्यूबा है, मुक्केबाजों का शहर कह सके हैं, विजेंद्र जैसे बॉक्सर आए हैं और कई नाम हैं, अब आप दोनों के भी जुड़े हैं, लेकिन शुरुआती माहौल किसा था घर का, के शुरुआत ही मतलब फैमिलियर थे खेलों के साथ, लड़की खासकर लड़कियों के लिए, लड़की होने के नाते कितना स्ट्रगल था? हमारे घर में लड़कियों में तो कोई नहीं था बॉक्सर, मतलब गेम में ही नहीं था कोई, मैंने ही शुरुआत की थी। और वैसे मेरे जो कोच है, मेरे जो चाचा जी, मतलब वो इंटरनेशनल बॉक्सर रहे हैं, तो उन्हीं को देख के मैंने स्टार्ट किया था। उनके जब जैसे घर में मेडल देखते थे उनके, या फिर मतलब सुनते रहते थे बॉक्सिंग के बारे में, तो फिर वही से फिर मेरा भी मन हुआ कि मैं भी बॉक्सिंग करूँ, तो फिर तब पूरा सपोर्ट किया मेरे कोच ने, तो आज मैं यहाँ तक। बुढ़िया की बात करें, बड़े बुढ़िया की, तो कई बार न्यू कहने लग जाए छोरी है इसे खेल ना करे, ब्याह ना हो या और बेरा ना के बात सुनने ना मिले, कद ऐसा होया कुछ सुनने ना मिला कहीं से? नहीं मिला, चलो अच्छी बात है। इसके साथ साथ पढ़ाई में क्या कुछ चल रहा है आपका? पढ़ाई में मेरी ग्रेजुएशन हो गई है पूरी। ग्रेजुएशन हो गई है, और अब आगे की बात करें तो आगे क्या कुछ टारगेट लेके चल रहे हो? अभी एशियन गेम्स आएंगे अगले साल, और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है, तो उसकी अच्छे से तैयारी करेंगे। उसकी अच्छे से तैयारी चल रही है। थैंक यू बहुत। थैंक यू, बहुत बधाइयाँ एक बार फिर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जैस्मीन लंबोरिया और नीतू घणघस, हरियाणा के बॉक्सिंग प्लेयर, और इनसे खास बातचीत करी है, इनसे बात करी है आगे की कुछ तैयारियां हैं। देखते रहिए जबरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक और शेयर कर दियो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे राहुल, राम राम।